साथियों, तमिल भाषा के महाकवि और स्वातंत्र सेनानी सुब्रमण्यम भारती ने लिखा था, मन्नुम इमयमले अंगल मलये मालिल मिदुदु पोल परिधु इल्ले इन्नरु नीर गंगे आरेंगेल आरे इंगिथन मानबीर एदिरेदु वेरे पन्नरुम उपनिट नुल्लेंगल नुले पार मिसे एधोरु नुल इधु बोले पोन नोलीर भारत नांडेगल नाडे पोट रुवोम इंते एमक्की कल्ले इडे। सुब्रमण्यम भारती जी की जो कविता है उसका भावार्थ हिंदी में जो मिलता है, दूर सुदूर क्षेत्रों के बारे में जो वर्णन है वो भी इतना ही प्रेरक है। सुब्रमण्यम भारती जी ने जिस भाव को प्रकट किया है, दुनिया की सबसे पुरातन भाषा तमिल भाषा में किया है, और क्या अद्भुत मां भारती का वर्णन किया है। सुब्रमण्यम भारती जी के उस कविता के भाव है, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, चमक रहा उत्तुंग हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा, बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सफल विश्व में, सम्मानित जो सफल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, गाएंगे यश हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, गुलामी के कालखंड में भी सुब्रमण्यम भारती जी का विश्वास देखिए, वो भाव प्रकट करते हैं। आगे कौन जगत में हमसे, आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा, यह है भारत देश हमारा। भारत के लिए इस अद्भुत भावना को आज हम यहां मां नर्मदा के किनारे सरदार साहब की भव्य प्रतिमा की छांव में और करीब से महसूस कर सकते हैं। भारत की यही ताकत हमें हर आपदा से, हर विपत्ति से लड़ना सिखाती है और जीतना भी सिखाती है। आप देखिए, पिछले साल से ही जब हम आज के दिन एकता दौड़ में शामिल हुए थे, तब किसी ने कल्पना नहीं की थी कि दुनिया, पूरी मानव जात को कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का सामना करना पड़ेगा। ये आपदा अचानक आई, इसने पूरे विश्व में मानव जीवन को प्रभावित किया है, हमारी गति को प्रभावित किया है। लेकिन इस महामारी के सामने देश ने, 130 करोड़ देशवासियों ने जिस तरह अपने सामूहिक सामर्थ्य को, अपनी सामूहिक इच्छा शक्ति को,
साबित किया है वह अभूतपूर्व है। इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं है। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर कश्मीर से कन्याकुमारी, लेह से लक्षद्वीप, अटक से कटक, कच्छ से कोहिमा, त्रिपुरा से सोमनाथ, 130 करोड़ देशवासियों ने एक होकर जो जज्बा दिखाया, एकता का जो संदेश दिया, उसने 8 महीने से हमें इस संकट के सामने जूझने की, लड़ने की और विजय पथ पर आगे बढ़ने की ताकत दी है। देश ने उनके सम्मान के लिए दिए जलाए, सम्मान व्यक्त किया। हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे अनेक पुलिस के होनहार साथियों ने दूसरों का जीवन बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। आजादी के बाद मानव सेवा के, सुरक्षा के लिए जीवन देना इस देश के पुलिस बेड़े की विशेषता रही है। करीब करीब 35,000 मेरे पुलिस बेड़े के जवानों ने आजादी के बाद बलिदान दी है, लेकिन इस कोरोना कालखंड में सेवा के लिए, दूसरे की जिंदगी बचाने के लिए मेरे पुलिस के बेड़े के जवानों ने, कईयों ने सेवा करते करते खुद को ही समर्पित कर दिया। इतिहास कभी इस स्वर्णिम पल को कभी भुला नहीं सकेगा। और पुलिस बेड़े के जवानों को ही नहीं, 130 करोड़ देशवासियों को पुलिस बेड़े के वीरों के एक समर्पण भाव को हमेशा नतमस्तक होने के लिए प्रेरित करेगा। साथियों, ये देश की एकता की ही ताकत थी कि जिस महामारी ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को मजबूर कर दिया, भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है।